monster. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फहद फरहान खान ऑफिशियल। तो रिलीज होने जा रही है एनिमेटेड फिल्म हॉलीवुड की प्रोजेक्ट मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू। तो इस बार ग्रू जो एक मिनियंस का जो कैरेक्टर है वो 1970s से स्टोरी लाइन ली गई है। लाइक ग्रू जो है वो एक जो बदमाश टाइप होते हैं, मॉन्स्टर्स होते हैं, उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता है और उनके साथ पूरी की पूरी फिल्म जो एनिमेटेड फिल्म है वो कॉमेडी एंड एक्शन पे बेस है। तो जहाँ तक मिनियंस की बात है तो $74 मिलियन की ये फिल्म बनी है और ऑब्वियसली इट्स गोना स्मैश द बॉक्स ऑफिस। कि $500 मिलियन से तो इसका बॉक्स ऑफिस ऊपर जाएगा ही जाएगा बिकॉज मिनियंस इज द मोस्ट अप्रिशिएटेड कैरेक्टर। मिनियंस काफ़ी ज़्यादा हिट है बॉक्स ऑफिस पे और एनिमेटेड फिल्म्स बहुत ज़्यादा शौक से देखी जाती हैं हॉलीवुड में, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में भी। तो मिनियंस रिलीज़ होने जा रही है 1 जुलाई 2022 को और इस फिल्म के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उन सब के अगर मैं नाम लूँ जो लाइक वॉइस आर्टिस्ट है तो वान डैम है और स्टीव कैरल है, तारा जी पी हैंसन, मिशेल यो, रसल ब्रांड, इस तरह के कई बड़े जो वॉइस आर्टिस्ट हैं वो इसके होते हैं लेकिन उनको कोई ध्यान में नहीं रखता बिकॉज जो एनिमेटेड मूवी हम सामने से देखते हैं हम सिर्फ उनके फैंस बन जाते हैं। तो मिनियंस लेकर आ रहा है टोटली कॉमेडी एंड एक्शन बेस्ड एनिमेटेड फिल्म। मिनियंस के बारे में अगर बात की जाए तो इट्स वन ऑफ द फेमस कार्टून्स या एनिमेटेड फिल्म्स आई लाइक टिल डेट, लाइक एक द क्रूड्स, मिनियंस, मदागास्कर, रॉल्फ, फर्डिनेंड और इस तरह के कई सारे एनिमेटेड फिल्म्स। तो ये फिल्म्स आम तौर से जो नॉर्मली हॉलीवुड की फिल्में होती है लाइक 100-150 मिलियन की वो बनती है और 200-300 या 400 मिलियन तक पहुंच जाती है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस इन एनिमेटेड फिल्म्स का होता है बिकॉज ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, तो लोग एनिमेटेड मूवीज़ की तरफ आ रहे हैं। स्पेशली जो NIM मूवीज़ है ना इस पे बहुत ज़्यादा लोग यार फोकस कर रहे हैं। लाइक हमें 2% की वो फिल्में नहीं लगती और लोग इतनी ज़्यादा वो देख रहे हैं, इनके इतनी ज़्यादा बड़े बड़े बॉक्स ऑफिस हैं, बंदा दंग रह जाता है कि यार ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। एनीवेज मिनियंस का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और अब तकरीबन 5 से 6 दिन बाद ये फिल्म रिलीज़ भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस फिल्म को लेकर, अब मज़ा आने वाला है इस फिल्म के बारे में, इस फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में, फनी मोमेंट्स के बारे में, कॉमेडी के बारे में, एक्शन के बारे में। यू नो जब कार्टूनिक एक्शन होते हैं तो उसका मज़ा एक नेक्स्ट लेवल होता है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो आपको मेरी आने वाली मजीद वीडियोज़ की इत्तला मिल सकती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।